हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खून? ये तो जख्मी दिखता है। तो जिंदा है, इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। हॉस्पिटल मेरे दिमाग में क्यों घूम रहे? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? नीम के इंजेक्शन का असर बस कभी भी खत्म हो सकता है। इन्हें होश आने ही वाला होगा। ठीक है, मैं सीआईडी को बुला लूंगा। साहब, मैं जा सकता हूँ? नहीं, अभी तुम यही रुको, शायद सीआईडी वाले तुमसे कुछ सवाल करना चाहे। ठीक है साहब। सीआईडी को क्यों बुला रहे? मैंने कोई गुनाह किया है क्या? हेलो सीआईडी। इसके पहले सीआईडी पहुंचे मुझे यहां से निकलना होगा। सीआईडी के पहुंचने तक तुम यही रुकना। चलिए।
कौन हो तुम? और ये स्टाफ रूम में क्या कर रहे हो? और ये गिरे कपड़े निकालो ने। देख, देख। निकालो ने। भाई साहब वो अरे कपड़े निकालो। ए, क्या कर रहे हो? हम लोग सीआईडी से हैं। अभिजीत कहाँ है? आईसीयू में। आईसीयू? लाइट लगा। अभिजीत कहाँ गया? कहाँ गया अभिजीत? पता नहीं सर, यही अंदर तो थे, इसी बेड पर लेटे हुए थे। पता नहीं अंदर ही थे तो फिर इस वक्त कहाँ गया वो? मैंने कहा था ना तुम्हें नजर रखने के लिए। सर अब मुझे क्या पता कि एक सीआईडी ऑफिसर इस तरह से हॉस्पिटल से भाग जाएगा। एक सीआईडी ऑफिसर नहीं, मुजरिम है। सर प्लीज सर, सबके सामने अभिजीत को मुजरिम मत कहिए। फिर क्या कहें उसे? इस तरह से हॉस्पिटल से भाग जाता है वो, उसे तुम क्या कहोगे? साहब जो आदमी इस कमरे में था उसने स्टाफ रूम में मुझे मारा और मेरे कपड़े पहनकर भाग गया साहब। देखा देखा क्या किया उसने? कब हुआ ये? सब ये कोई 5 या 10 मिनट पहले की। 5-10 मिनट पहले? मतलब जैसे हम हॉस्पिटल में आए वो हमारे नाक के नीचे से भाग गया। लेकिन ज्यादा दूर गया नहीं होगा। सचिन निकल जाओ, बाहर जाकर देखो, देखो कहीं दिखता है क्या। सर तुम भी जाओ, दवा पानी करो। जी सर। सर ये वही फिशरमैन है जिसे अभी जी बेहोशी की हालत में मिले थे। कहाँ मिला था? मंडल समुद्री घाट पे। मंडल समुद्री घाट? जी सर, पर उन्हें अपना नाम वगैरह कुछ भी याद नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपनी याददाश्त खो चुकी हो। माय गॉड याददाश्त चली गई। न जाने आप कौन सी नई मुसीबत में फंसेगा अभिजीत। वही तो, पहले जब भी कभी उसकी याददाश्त चली जाती थी कोई ना कोई तूफान आता ही था सीआईडी में। इस बार न जाने वक्त कब या किस दिशा में पड़ने वाला है। सीआईडी वाले मेरे पीछे क्यों पड़े हुए? ऐसा क्या गुनाह किया है मैंने? याद क्यों नहीं आ रहा? याद क्यों नहीं आ रहा?
दोबारा वहीं जाना चाहिए जहां मैं उस मछुआरे को मिला था। शायद वहां कोई हादसा हुआ मेरे साथ, उधर जाके कुछ याद आ जाए। भाई साहब, मेरे को आपसे कुछ पूछना था। मैं यहाँ तेरे सवालों का जवाब हम लफ्जों से नहीं, लातों और घूसों से देंगे। ए गनिया, ए बगाड़ा रे, तो कुछ गलत फहमी हुई है। मैं ए ए ए खुदा बंदा, ए पकड़ो उसे, पकड़ो। रुक जा, पकड़ो उसे, पकड़ो। ए पकड़ो, पकड़ो उसे, पकड़ो। पकड़ो उसे, कहां भाग गया? अभी तो यही था। किधर गया? कहां चला गया? अब क्या करेंगे? जाने दो, फिर कभी आएगा ना, छोड़ेंगे नहीं उसे। ठीक है, देख लेंगे। चलो अभी। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इन लोगों से बचा लिया। अरे हुआ ना रे, पर कैसा बैकी पे किसी बात कर रहे लो? आजा, क्या हो गया? आज तुम जानते हो मुझे कौन मैं है? ये मजाक का टाइम नहीं है। और हाँ, वो जो लड़की के बारे में पूछ रहे थे ना, वो तो टपक गई। लड़की कौन लड़की? अरे बोले तो वो पांच बत्ती का ट्रैफिक सिग्नल है ना, उधर तेज जाती एक कार ने उसको ठोक दिया अभी परसों। पांच बत्ती का सिग्नल, लड़की को कौन? कौन सी लड़की? क्या बात कर रहे हो तुम? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। देखो अपने पास टाइम बहुत कम है, और इधर ना अपन की जान को भी खतरा है। फिलहाल अपन चलता है, और अपना ख्याल रखना। देखो सुनो, ओ ओ भाई, ओ ओ ओ पांच बत्ती का सिग्नल, लड़की, ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? और सीआईडी वाले मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। पांच बत्ती पे सिग्नल पे वो
लड़की बाजपति का सिग्नल। पहले मोनिका को मारा गाड़ी से उड़ाकर, फिर उस वार्ड बॉय को मारकर उसके कपड़े पहनकर ये भाग गया हॉस्पिटल से। सर आप तो जानते ही, अभिजीत की याददाश्त जब भी चली जाती है उसके दिमाग में उथल पुथल मच जाती है सर। उसे कुछ याद नहीं रहता वो कौन है क्या कर रहा है। पता नहीं क्यों दया इस बार ऐसे लग रहा है कि वो नाटक कर रहा है याददाश्त चली जाने का। समझ में नहीं आता क्या चल रहा है उसके दिमाग में। सर अभिजीत के खिलाफ कोई सबूत तो मिला नहीं है और मुझे पूरा यकीन है सर अभिजीत ऐसा गुनाह नहीं कर सकता। जज्बाती मत बनो दया, जज्बाती मत बनो। अभिजीत हॉस्पिटल से भाग गए? हाँ डॉक्टर तारिक, पता नहीं अभिजीत सर ने ऐसा क्यों किया। मुझे पक्का यकीन है जैसे ही अभिजीत सर की याददाश्त वापस आएगी वो खुद ब खुद चले आएंगे सीआईडी ब्यूरो में। सच्चाई बताने। सच्चाई तो न्यूज़पेपर में छप चुकी है फ्रेडी सर, एक सीआईडी ऑफिसर मासूम लड़की का हत्यारा। अखबार वालों को बस मसाला चाहिए अपनी खबरें बेचने के लिए। सर आपका दिल भी जानता है अभिजीत सर गुनहगार नहीं हो सकते। उन सारे सबूतों का क्या जो अभिजीत के खिलाफ है? सर सारे सबूत हमारे हाथ में लगे हैं, जिस दिन ये सारे सबूत मिल गए मुझे यकीन है कि आपका शक भी दूर हो जाएगा। मगर सच्चाई को झुठलाया नहीं जा सकता दया, पहाड़ भी टक्कर मारने से कोई फायदा नहीं। तुम दोनों को यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। पता नहीं कौन लोग है, कितने खतरनाक है वो। जो लोग अभिजीत पे गोली चला सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। इस लड़ाई में आप अकेले नहीं है दया, मेरा दिल भी यही कहता है कि अभिजीत बेगुनाह है और सच्चाई हम ढूंढ के निकालेंगे। हाँ तारिका मैं समझ सकता हूँ, लेकिन श्रेया तुम्हें क्या जरूरत थी हम दोनों के साथ यहाँ आने की? सर मुझे पूरा यकीन है कि आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपका साथ जरूर दूंगी। शायद इन लोगों ने कुछ देखा। हाँ सुनिए भाई साहब जरा ये फोटो देखो, पिछले एक दो दिन में इस आदमी को यहाँ पे देखा था। अरे ये तो वही बदमाश है जिसने हमारा इतना नुकसान किया, आप उसके दोस्त हो क्या? ये जबान संभाल के बात कर, सीआईडी खड़ी है तुम्हारे सामने। सीआईडी? अरे माफ करना साहब गलती हो गई। क्या नुकसान किया इन्होंने तुम्हारा? साहब कल एक आदमी के साथ उनकी हाथापाई हो गई और अब देखिए ना साहब, लड़ाई उन दोनों की और हमारा फिजूल में 5,000 का नुकसान हो गया। ये पैसे रख लो, तुम्हारे नुकसान की भरपाई। अरे साहब आप बहुत अच्छे इंसान हो। ये बताओ कि वो आदमी कौन था जिसकी लड़ाई हुई थी अभिजीत के साथ? मालूम नहीं साहब, पहले उसे यहाँ कभी देखा नहीं। चेहरा याद है आपको उनका? स्केच बनवाने में हमारी मदद कर सकते हो? नहीं मैडम, उन दोनों में तो हाथापाई चल रही थी, कभी इधर गिर रहे थे कभी उधर गिर रहे थे, तो चेहरा देखा नहीं मैंने। अच्छा वो दोनों आपस में कुछ बात कर रहे थे? नहीं साहब। हाँ लेकिन ये फोटो वाले साहब बहुत गुस्से में थे। गुस्से में? कुछ और याद है, कुछ और बता सकते हो? हाँ साहब, लेकिन एक घंटे पहले ये फोटो वाले साहब यहाँ आए थे। क्या अभिजीत यहाँ आया था? हाँ साहब, मगर वो मगर क्या मगर साहब वो रुक जा। अरे पकड़ो उसे, पकड़ो। ये क्या किया आप लोगों ने? गलती हो गई साहब, अगर पहले पता होता कि ये सीआईडी के आदमी है तो हम ऐसा कभी नहीं करते साहब। अभिजीत कहाँ गया, किस तरफ? उस तरफ गए साहब। किस तरफ? चलो। अभिजीत उस आदमी को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहा होगा, वरना बिना वजह पब्लिक प्लेस पे वो तमाशा नहीं करेगा। सर हो सकता है तब तक अभिजीत सर की याददाश्त जा चुकी हो। नहीं श्रेया, अगर याददाश्त चली गई होती तो उस आदमी को नहीं पहचानता। मुझे लगता गोली लगने के बाद ही उसकी याददाश्त गई होगी। एक काम करो, तुम दोनों इस तरफ देखो, मैं यहाँ देखता हूँ। सर
देख के चलना भाई। सर ये पांच बत्ती का सिग्नल कहाँ पे? नहीं आए हो क्या? यहाँ से सीधा जाओ और उसके बाद राइट मुड़ जाना। हाँ, पांच बत्ती सिग्नल मिलेगा आपको। थैंक यू। क्या हुआ भाई, चाबी बनवानी है क्या? अरे यार, ताला ही खो गया है, चाबी क्या बनवाए? हाँ, क्या? कुछ नहीं भाई, ये अभी आ रहे थे यहाँ से। हाँ, एक कार इतनी तेजी से बगल से गुजरी कि लगा था कि उड़ा देगी। अरे भैया जरा ढंग से चला करो, देख के चला करो। अभी दो दिन पहले इधर एक्सीडेंट हुआ है, बड़ा भयंकर एक्सीडेंट। हाँ, ये यहाँ पे? हाँ, यही ये सिग्नल देख रहे हैं आप, उस सिग्नल के पास। अरे साहब, बहुत बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था, क्या बताएं आपको? आपने देखा था? अरे साहब, हम यहीं तो बैठे थे, सब कुछ हमारी आंखों के सामने हुआ है। अरे साहब, बहुत बड़ा बवाल मचा है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट था, परसों के अखबार में छपा है। अच्छा, ये किसका एक्सीडेंट हुआ था, किसने उड़ाया था, आपको मालूम है? अरे एक औरत का एक्सीडेंट हुआ है, वो अपने सीआईडी के सीनियर इंस्पेक्टर है ना, हाँ अभिजीत, उनकी गाड़ी के नीचे आ गई थी वो। सीआईडी से तो मेरा कुछ लेना देना हो नहीं सकता, शायद उस औरत से कुछ। कहाँ खो गए साहब, क्या हुआ? हाँ नहीं, वो जो औरत थी वो कौन थी आपको मालूम है क्या? अरे वो कौन थी साहब, हमें क्या मालूम, परसों के कोई भी अखबार में देख लेना, सब अखबार में छपा है। अभी मुझे काम करने दो साहब। हाँ, वो परसों के अखबार में ना। थैंक यू। दो कम 5 किलो हुआ, कुल मिलाकर के 44 रुपए, 6 कम 50 रुपए। क्या भैया, 44? पिछले बार आया था भी आपने तो 70 रुपए दिए थे। अरे तो क्या आप इतनी श्रद्धा क्या कर, पूरा गल्ला ही उठा के दे दूं क्या यार? अरे ठीक है भैया, दो जो दे रहे हो आप। तो सब ये कल परसों का अखबार होगा क्या? कौन सा चाहिए आपको? तो कोई सा भी अखबार, परसों का। भैया ये पुराने अखबार रखे हैं, मुझे तारीख पढ़ना नहीं आता, अब इसमें से देख लो निकाल लो। अच्छा, सीआईडी ऑफिसर पे हाथों हत्या। अरे वाह, इसमें तो आपका फोटो छपा भाई साहब, क्या लिखा आपके बारे में? तारीफ लिखी है मेरी। अच्छा, तारीफ लिखी है, 5 रुपए दीजिए। 5 रुपए? क्या हुआ भाई साहब, भूल गए क्या? पैसे कहीं है नहीं मेरे पास अभी। चलिए अच्छा, कोई बात नहीं, फिर कभी इधर से निकलिएगा तब दे जाइएगा, ठीक है? थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू। तो मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूं, उसने एक लड़की का खून कर दिया, खून कर दिया, मैं खूनी।
अगर मैं सीआईडी ऑफिसर हूं तो मैंने इसका खून कैसे किया? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? याद क्यों नहीं आ रहा? याद क्यों नहीं आ रहा मुझे? दरवाजा खोलो। विनीत दरवाजा खोलो। लेकिन सर, अभिजीत सर के घर में यूं इस तरह? इस वक्त ये घर अभिजीत का नहीं, एक मुजरिम का घर है। दरवाजा खोलो। सर प्लीज, अभिजीत सर को मुजरिम मत कहिए। अभी तक हम उनके खिलाफ कुछ भी साबित नहीं कर पाए। दरवाजा खोलो विनीत, खोलो दरवाजा। सर, घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, एक एक कोना छान मारा। अगर अभिजीत ने गुनाह किया है तो उसका सबूत भी यहीं पर मिलेगा। ओके सर। विनीत, सुना नहीं तुमने? घर की तलाशी लेने के लिए कहा था ना मैंने। क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं सर। काफी संभाल के रखी है चाबी अभिजीत ने। लगता है इस केस का ताला भी इसी चाबी से खुल जाएगा। सर, ये तो कोई लॉकर की चाबी है। ऐसा स्टिकर कोई बैंक लॉकर की चाबी में लगाते हैं।
क्या बात है पंकज, बहुत दिमाग चल रहा है आजकल तुम्हारा। विनीत, 12 घंटे के अंदर अंदर मुझे इस चाबी का ताला चाहिए, इस चाबी का ताला चाहिए। क्या हुआ? सर, उस तरफ तो अभिजीत सर नहीं मिले और इस तरफ भी कहीं नहीं है। पर मैं कहाँ है अभिजीत? क्या हुआ सर? अच्छा लग रहा है कोई हम पर नजर रखे हुए। कौन? तो ऐसा आदमी जिसका इस केस से कुछ लेना देना है। अपन कुछ नहीं किया साहब, अपन को जान दो ना। सीआईडी पे नजर रख रहे हो, अब बोलते हो कि कुछ नहीं किया है? कौन हो तुम? अपन का नाम घुंगरू है, घुंगरू। हम लोगों पर नजर क्यों रख रहे थे? वो साहब, अपन को लगा कि आप लोग के पीछे पीछे आऊंगा ना तो अभिजीत साहब तक पहुंच ही जाऊंगा, क्योंकि आप लोग तो उनको ढूंढ ही निकालोगे ना। हमारा शक सही निकला, इस आदमी का इस केस से कुछ ना कुछ संबंध है। है ना, आपने पहचाने उसे? अपन उनका खबरी है। खबरी? खबरी? तुम अभिजीत का खबरी हो? मैं तो उसके सारे खबरियों को जानता, तुम्हारे बारे में तो कभी बताया नहीं उसने। अभी अपन के बारे में काहे के लिए बताया, अपन को कुछ पता नहीं। सब क्या खबर दी थी तुमने उसे? सब वो 17 तारीख को साहब, अभी हाल चाल पूछने का टाइम नहीं मेरे पास, ये लड़की चाहिए मुझे, समझे? साहब, इस लड़की का अगर एक पता ठिकाना हो तो मैं बोलूं। साहब, ये कभी चर्चगेट तो कभी पनवेल तो कभी विरार। साहब, ये लड़की अपना ऐसा पता ठिकाना बदलती है ना जैसा हर फ्राइडे को सिनेमा हॉल पे पिक्चर चेंज होती है। इसकी फिल्म अभी कहाँ चल रही है ये बता मुझे। अपन फुल कोशिश करेंगे साहब। कोशिश नहीं, मेरा इस लड़की से मिलना बहुत जरूरी है, समझा? काम हो जाना चाहिए। काम होएगा ना सब, मैं सब पता करके ना फोन करता हूँ। ठीक है, 48 घंटा है तेरे पास। वादा नहीं साहब, अब अपन चलता है। हाँ, ये बात तेरे और मेरे बीच रहेगी। क्या साहब, इतना तो अपन को भी समझता है ना, चलता है। अपन को क्या बताता साहब कि अभिजीत साहब उसको नीरा को गिरफ्तार करने के वास्ते नहीं, उसको जान से मारने के लिए ढूंढ रहे ले। अभिजीत किसी को बेवजह नहीं मार सकता। एक मिनट, ये नीना कौन? जिस औरत की अभिजीत की गाड़ी से मौत हुई थी उसका नाम तो मोनिका था ना? साहब, वो दोहरी जिंदगी जी रही थी। मोनिका सिर्फ उसका एक नकाब था जिसे पहनकर वो ना शरीफों की जिंदगी जीने का ढोंग कर रही थी। साहब, उसका असली नाम और काम तो कुछ दूसरा ही था। क्या करती थी ये नीना? जुए और सट्टेबाजी का अड्डा चलाती थी और साथ ही साथ लोगों को पैसा उधार देती थी, वो भी डबल ब्याज पे। तो अभिजीत को उसके गुनाहों के बारे में पता चल गया था, इसलिए उस औरत की तलाश थी उसे। अच्छा, मच्छी मार्केट में जिस आदमी के साथ अभिजीत की हाथापाई हुई थी वो कौन था? वो बदनसीब अपुन ही है साहब। अपुन को इतना मारा है ना, इतना मारा है ना साहब, अपुन को तो लगा कि अपना काम तमाम। सब एक चीप सा जुनून सवार था उनके सर पे। लेकिन उसने तुम्हें मारा क्यों? वो अपुन ने उनसे पूछ लिया कि वो नीना को काय के लिए मार डाला। और अभिजीत ने तुम्हें नीना के बारे में पता करने के लिए क्यों कहा था? वो तो साहब अपन को पता नहीं, लेकिन हाँ, वो नीना की मौत के एक रात पहले ना मैंने उनको अपन ने मिडनाइट बार जाते हुए देखा था। बार? ये मिडनाइट बार कहाँ है? ये मोतीलाल नगर में। मोतीलाल नगर? अच्छा, तुम अपना नंबर दो। हाँ जी, 1919005555। वो अपन जाए क्या साहब? या थैंक यू साहब। हाँ सर, मुझे ये आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। विनीत से कहो इस पर नजर रखने के लिए,
तब तक हम मिडनाइट बार होकर आते हैं। हाँ क्या हुआ, इतनी जल्दी में क्यों बुलाया तूने? बस अभिजीत के घर में जो चाबी मिली थी, हाँ? उस चाबी पर अभिजीत की उंगलियों के निशान नहीं है। क्या, चाबी पर अभिजीत की उंगलियों के निशान नहीं है? नहीं। ये कैसे हो सकता है सारंग के? हाँ, मैं तो खुद हैरान हूँ, ये कैसे हो सकता है? अभिजीत के घर में चाबी मिली और अभिजीत की उंगलियों के निशान नहीं है। तो किसी की उंगलियों के निशान तो होंगे ना सर उसमें? हाँ है, एक उंगलियों के निशान है, लेकिन वो किसके है ये नहीं मालूम चल रहा है। सर कहीं उस मोनिका के तो नहीं? नहीं, मोनिका के भी नहीं है, ये किसी तीसरे की उंगलियों के निशान है। तो इसका मतलब जरूर ये चाबी किसी और ने अभिजीत सर के घर में रखी है। या फिर ये भी हो सकता है कि अभिजीत ने ग्लव्स पहनकर उस चाबी का इस्तेमाल किया है। मगर किस राज की चाबी है ये, किस राज की चाबी जो अभिजीत छुपाने की कोशिश कर रहा है? सर, सर ये चाबी किस लॉकर की है पता चल गया। किस लॉकर की? गुड हेल्थ जिम। गुड हेल्थ जिम? यस सर। ये अभिजीत जिम कब से जाने लगा? साळुंखे, अभिजीत आजकल क्या क्या करने लगा है उसका एक एक करके अब पता लगने लगा है हमें। एक्सक्यूज मी। आइए आइए सर, आप सब जिम ज्वाइन करने आए? जी नहीं, हम सीआईडी से, हमें कुछ पूछना है। जी, ये चाबी आपके जिम के लॉकर की है ना? अरे हाँ, ये हमारे ही जिम के लॉकर की है, पर आप लोगों के पास कैसे आई? कहाँ है लॉकर, दिखाइए। आइए। सीडी? जिम के लॉकर में सीडी? कमाल है, लॉकर में तो लोग एक्सरसाइज करने के कपड़े वगैरह रखते हैं, इसमें तो सीढ़ी है। जरूर कोई खास बात होगी इस सीढ़ी में, तभी इसे इतना संभाल के रखा गया है यहाँ पर। किसके नाम पे ये लॉकर? सर मैं आपको देख के बताता हूँ। सर ये किसी मिस्टर अभिजीत जी के नाम पे है। अभिजीत सर? क्या यही है अभिजीत? सॉरी सर, चेहरा तो नहीं जानता, पर इतना बता सकता हूँ कि इन्होंने 3 दिन पहले ही मेंबरशिप ली है और उसके बाद ये जिम में आए नहीं। अभिजीत सर ने ये सीडी छुपाने के लिए इस जिम के लॉकर को ही क्यों चुना? अभिजीत सर ऐसी जगह पे आते थे, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हो सकता है कुछ इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पे आ गया हो, कभी कभी हमें ऐसी जगह पे आना पड़ता है। आइए सर, सर वेलकम। सर यहाँ बैठिए। हम लोग यहाँ बैठने के लिए नहीं आए। सर ये फोटो देखो, ये आदमी यहाँ इस बार में आता है? अरे हाँ सर, सर ये तो यहाँ आते रहते हैं सर, बड़े रंगीन मिजाज के हैं सर। जबान संभाल के बात कर, समझा? हम लोग सीआईडी से हैं, जो कुछ भी बोलेगा सोच समझ के बताना। आप सॉरी सर, गलती हो गई। क्या दिख रहे लिए आप? तुम यहाँ पर नहीं आए हो क्या? इन्हें तो मैं देखा नहीं तेरे को। ए चलो यहाँ से। अरे पता भी है किससे बात कर रहे हो? ए मैनेजर छो, हाथ तो अपन इसकी आंखों से पिएगा और फिर इसके हाथों से पिएगा। रे मेरे हाथ से पिएगा? इतना जोर का थप्पड़, सारी उतर गई। पता नहीं शराब क्यों पीते हैं लोग। नमस्ते। ये आदमी यहाँ किससे मिलने आता है? सर ये तो गुंजन से बातें करते थे। गुंजन, बुलाइए उसे। लेकिन वो तो चली गई। कहाँ चली गई? सर पता नहीं,
सर अचानक किसी का फोन आया था और वो चली गई थी। जरा इस गुंजन का नंबर देना। सर 1093-44278। नॉट रीचेबल आ रहा है। सर हो सकता है गुंजन किसी मुसीबत में हो। हो सकता है। इस केस से इस गुंजन का कुछ ना कुछ संबंध भी हो सकता है। चलो मेरी याददाश्त जल्दी से वापस नहीं आई न जाने किस खतरे में और पड़ जाऊंगा मैं। इस आदमी को तो मैंने हॉस्पिटल में देखा था। क्या हुआ सर? आपने इतना अर्जेंटली फोन करके बुलाया, सब ठीक तो है? दया, अभिजीत के जिम के लॉकर में से ये सीडी मिली। सीडी क्या है इसमें? देख लो। ये रिकॉर्डिंग सर देख लिया? दया कह रहे थे ना अभिजीत बेगुनाह है। हकीकत ये है। ये इधर ही आया था ना? हाँ भाई। देख उधर देख, मैं इधर देखता हूँ। ठीक है।
भाई इधर है, इधर। ये तो बेहोश है। चलो अपना काम आसान हो गया। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.